फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट TV। साप्ताहिक लॉकडाउन के दिन पसरा रहा सड़कों पर सन्नाटा। प्रदेश भर में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद आज उत्तर प्रदेश के 10 शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है। हालांकि लॉकडाउन के चलते सड़कों पर सन्नाटा ही पसरा रहा। सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ना के बराबर है और जो भी लोग निकल रहे हैं वह ज़्यादातर काम से ही निकल रहे हैं। मेरठ पुलिस ने सड़कों पर गश्त बढ़ा दी है, बेवजह घर से बाहर निकलने वाले लोगों को चेक कर रही है। वही अगर आंकड़ों की बात करें तो मेरठ में कल भी 716 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद करीब 3000 के आसपास शहर में एक्टिव केस हैं और अब तक कुल 25,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन एक बड़ा आंकड़ा कोरोना वायरस को मात देने वालों का भी है। करीब 21,000 से ज़्यादा लोग कोरोना संक्रमण को मात देकर जिंदगी की जंग जीत चुके हैं। लेकिन अब लोगों को खुद ही जिम्मेदारी लेनी होगी, कोविड-19 गाइडलाइंस के नियमों का पालन करना होगा ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। वहीं पुलिस अधिकारियों की माने तो सड़क पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करेगी। देखिए, जैसे भी पूर्व में लॉकडाउन का हम लोग पालन करा रहे थे, उसी तर्ज पर आज उच्च अधिकारियों के आदेश से सुबह से ही इसमें हम लोग फील्ड में हैं और चारों तरफ जो हमारी फैंटम PRB और थाना मोबाइल और स्वयं वरिष्ठ अधिकारी इसका जायजा भी ले रहे हैं और हर क्षेत्रों में जा करके पूरी तरह से भ्रमण करके देख रहे हैं। पब्लिक का भी सपोर्ट लिया जा रहा है, जिस क्षेत्र में कहीं दिक्कत आ रही है तो उनका भी कॉल से फोटो मंगा ली जा रही है और उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। साथ ही साथ हूटर सायरन और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से उनको अवेयर भी किया जा रहा है। इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV।